इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने हथियारों से लैस कई स्कॉर्पियन ड्रोन को एक साथ उड़ाने का टेस्ट किया और इस टेस्ट का चीन ने वीडियो भी जारी किया। ताकि एक साथ आसमान से बमों की बारिश की जा सके, चीन ने ऐसा ड्रोन बनाया जो विस्फोटकों से लैस होगा और इनके जरिए वो अपने दुश्मनों पर आसमान से मौत बरसाएगा। चीन के मीडिया के मुताबिक इस ड्रोन में सेंसर भी लगा हुआ है जो रेडार को आसानी से चकमा दे देगा। इस ड्रोन को जंगी जहाजों और जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से हमला किया जा सके। वहीं चीन एक सॉफ्टवेयर बनाने में जुटा हुआ है जो इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सके। अभी ये ड्रोन ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की धमकी से घबराए वैगनर ग्रुप के चीफ यिवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में बिना खिड़की वाले होटल में ठहरे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में पुतिन के कई दुश्मनों की खिड़की से गिरकर संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है और एक दिन पहले पुतिन ने यह धमकी दी कि वो रूस के खिलाफ विद्रोह करने वालों को सबक सिखाएंगे। माना जा रहा है कि पुतिन की इसी धमकी से डरकर यिवगेनी प्रिगोजिन नई तरकीब आजमा रहे हैं। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन की चेतावनी के बाद प्रिगोजिन को अपनी जान का डर सता रहा है, इसीलिए वो बेलारूस की राजधानी मिंस्क में एक ऐसे होटल में ठहरे जिसमें खिड़की नहीं है। क्योंकि पिछले एक साल में पुतिन के कई दुश्मनों की मौत खिड़की से गिरने की वजह से हुई। यही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने भी चेतावनी दी कि वैगनर ग्रुप के चीफ को खिड़की से बचकर रहना चाहिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में जुटे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से निपटने के लिए नेटो पूरी तरह तैयार है। खबर है कि बगावत के बाद रूस के साथ हुए समझौते के तहत वैगनर ग्रुप के चीफ यिवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस में मौजूद हैं। और इसी खबर ने बेलारूस के पड़ोसी देशों की धड़कनें बढ़ा दी। नेटो के इन सदस्य देशों को डर है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के पड़ोसी देश पोलैंड, लिथुएनिया और लात्विया वैगनर ग्रुप के निशाने पर आ सकते हैं। इस बीच नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने दावा किया कि उनका सैन्य संगठन किसी भी खतरे से निपट सकता है। खबर है कि इस मुद्दे पर अगले कुछ दिनों में नेटो के सदस्य देशों की लिथुएनिया में एक अहम बैठक भी होगी जिसमें वैगनर ग्रुप का सामना करने पर रणनीति तैयार हो सकती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया के खात्मे की पूरी तैयारी कर ली थी। 5 दिन पहले यिवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर ही इस ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया और ये खबर सामने आई कि यिवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस पहुंच गए। माना जाता है ये डील कराने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़ा हाथ था। लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि पुतिन इतनी आसानी से प्रिगोजिन को माफ करने के मूड में नहीं थे। उनके मुताबिक पुतिन तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वैगनर ग्रुप के चीफ को मारने की भी तैयारी कर ली थी, जिसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति की सलाह पर पुतिन ने अपना फैसला बदला और फिर प्रिगोजिन को बेलारूस जाने का फरमान सुना दिया गया। राजधानी दिल्ली में कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो इतना बारिश हुई है कि पानी जमा हो चुका है, वहां से गाड़ियों का निकलना दूभर हो गया है। पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी दिल्ली NCR के कई इलाके जहां बारिश हो रही है, बारिश होने के साथ ही दिल्ली NCR के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो जाती है, अंडर पासों में पानी भर जाता है, गाड़ियां उन्हीं पानियों में फंस जाती हैं। और यही दिक्कत है कि दिल्ली NCR में जब जब बारिश होती है लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो दिल्ली में बारिश अभी भी जारी है। दिल्ली NCR के तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं और दिल्ली के कुछ इलाके जहां बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन बारिश होने के साथ ही लोग अपने घरों में भी कैद हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही वो बाहर का रुख करते हैं तो देखते हैं जगह जगह पानी भरा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि चीन के साथ इस समय संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों के बीच संबंध तभी ठीक रह सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। इसके साथ ही कहा कि सीमा पर हालात से ही दोनों देशों के रिश्ते तय होंगे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट विदेश मंत्री का। टुडे एट द हार्ट ऑफ द डिफिकल्ट फेज दैट वी आर पासिंग थ्रू विद चाइना एंड द बॉटम लाइन देयर इज एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट ऑफ द बॉर्डर will determine the state of the relationship and the state of the border today is still abnormal.